सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन के जंग के सारे अपडेट आपको दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि रूस ने अब फिनलैंड को बड़ी धमकी दी है। धमकी भी इसलिए दी है क्योंकि फिनलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो नाटो में शामिल होने जा रहा है, जिसको देखते हुए अब रूस ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अगर फिनलैंड शामिल होता है नाटो में तो पहली बात तो ये हमारे लिए और दूसरों के लिए खतरा है, दुनिया को मजबूत होने का कोई भी मौका फिर नहीं मिलेगा। कंफ्यूज मत होइए, आसान जबान में आपको दूसरी बात बता देता हूँ। आपको बताऊँ, रूस ने क्लियर कट ये बात कही कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो हम यानी रूस पूरी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, मिलिट्री एक्शन लेगा, टेक्निकल एक्शन लेगा, यानी मिलिट्री का नाम लिया है उसे, यानी हमला भी रूस कर सकता है। फिनलैंड के लिए काफ़ी बड़ी धमकी है और अभी तक फिनलैंड ने इस पर कुछ नहीं बोला है। हालांकि आपको बताऊं, फिनलैंड के साथ एक और देश है स्वीडन, उसने अभी फैसला नहीं लिया है कि उसको शामिल होना है या नहीं। अब आपको बता दूं कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमें धमकी देने से पहले रूस को ये देखना चाहिए कि हम नाटो में शामिल क्यों हो रहे हैं। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी ही डर और तुम्हारे ही खौफ की वजह से हम नाटो में शामिल हो रहे हैं, अगर तुम्हारा खौफ ना होता और तुम्हारे ऐसे हमले ना होते तो हम शामिल नाटो में ना होते। जानकारी के लिए बता दूं कि फिनलैंड को इलेक्ट्रिसिटी रूस देता है, अब फिनलैंड को जो रूस इलेक्ट्रिसिटी देता है वो काट दी है, यानी फिनलैंड को अब बिजली रूस की तरफ से नहीं मिल रही है। जानकारी के मुताबिक गैस भी रोक दी है, जो गैस दे रहा था वो आज काट दी है, फिनलैंड को गैस देना बंद कर दिया है रूस ने। साथ में आपको ये भी बता दूं कि कंपनी ने सफाई ये दी है रूस की, क्योंकि इसने फिनलैंड ने पेमेंट नहीं किया था इस वजह से हमने, हाँ, लेकिन असली वजह यही है क्योंकि फिनलैंड ने रूस के खिलाफ एक्शन लिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि रजब तैयब अर्दोगान ने काफ़ी सही बात बोली है, फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में शामिल होना, इसको सपोर्ट तुर्की ने नहीं किया है। रजब तैयब अर्दोगान ने क्लियर कट ये बात कही है कि इन दोनों देशों का नाटो में शामिल होना, मैं नाटो में होने के बावजूद इनको एक्सेप्ट नहीं करता, समर्थन नहीं देता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, उन्होंने कहा रजब तैयब अर्दोगान ने कि अभी माहौल ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल होते हैं तो ऑब्वियसली रूस भड़क गया है। दूसरी तरफ फिनलैंड और स्वीडन एक ऐसे देश हैं जहां पर आए दिन कुरान जलाया जाता है और इस्लाम का अपमान किया जाता है। इसके अलावा ग्रीस पे भी हमला करते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि नाटो में हम पिछले 70 सालों से हैं और हमने तब भी कहा था कि फिनलैंड और स्वीडन को इसमें शामिल ना किया जाए। हमने ग्रीस को भी कहा था कि इसमें शामिल ना किया जाए। ग्रीस को शामिल करके ये सबसे बड़ी गलती की गई है और अब ये गलती होगी अगर हमने स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किया। दोस्तों चीन ने ज़बरदस्त तरीके से रूस के ऊपर बात बोली है और पूरी दुनिया को झाड़ लगाई है। रूस के लिए चीन ने बड़ी बात बोली। चीन ने कहा कि ग्लोबल पाबंदी रूस पर लगाने से पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ की कमी और एनर्जी और गैस की कमी हो रही है, और रूस पर पाबंदी लगाने से यूक्रेन में शांति नहीं आ रही है। रूस पर पाबंदी लगाना ये दुनिया की बड़ी गलती है। इसी बात को खुद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो पाबंदी हम पे लग रही हैं उन्हीं पाबंदियों की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम ये हमला ना करते, हमारे खिलाफ अमेरिका और दूसरे देश मिलकर हमारे खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करने वाले थे, इससे पहले वो कुछ करते, हमने ये कर दिया अपनी सेफ्टी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। पत्रकार के द्वारा अमेरिका से पूछा गया कि क्या हथियार तो आप सब तरह के आप यूक्रेन को दे रहे हैं, क्या आप यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देंगे? अमेरिका ने इस पर साफ इनकार कर दिया कि अमेरिका किसी भी देश को किसी भी हालत में कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं देगा। पोलैंड के अंदर रूस के एम्बेसडर के ऊपर आपको पता है लाल रंग का खून जैसा कुछ फेंका गया था यूक्रेन के समर्थकों ने, जिसका पोलैंड की सरकार ने समर्थन किया कि बढ़िया काम किया था भाई, ये तो मजबूरी में किया, वो तो आहत है, परेशान है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब इस पर रूस भड़क गया और रूस ने कहा कि पोलैंड की सरकार माफी मांगे। दोस्तों यूक्रेन ने जिन रूसी फौजियों को पकड़ा है उनके खिलाफ ट्रायल चलाएगा, यानी
यूक्रेन के अंदर ही केस चलाएगा और उनसे इस बात की पूछताछ करेगा कि उन्होंने वॉर क्राइम किया है या नहीं, और किया है तो कैसे किया है, कैसे कैसे क्या क्या किया है। वो रूस के खिलाफ रूस के ही सैनिकों का इस्तेमाल करेगा। जापान ने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक को रूस को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है। पूरी दुनिया में जापान के इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। रूस को सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, अब आपको बता दूं कि रूस के KA-52 हेलीकॉप्टर लगातार अब दिन और रात में लगातार यूक्रेन के अलग अलग जगह और अलग अलग अड्डे पर हमला कर रहे हैं। इसी के साथ जानकारी एक और आ रही है, G7 से यूके कह रहा है कि और भी ज़्यादा हथियार देने चाहिए यूक्रेन को। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि G7 के सारे देश पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन के पीछे हैं। जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता, G7 के सारे देश यूक्रेन के साथ हैं। बड़ी खबर आ रही है ये कि यूक्रेन और रूस की जब से जंग शुरू हुई है तब से अब इस बार पहली बार अमेरिका और रूस के बीच में फोन पर पहली बार बात हुई है। इस बातचीत के दौरान कोई बात अभी मीडिया में नहीं आई है, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने रूस से डायरेक्ट डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द तुरंत सीज फायर का ऐलान करे रूस। दोस्तों, रूस के हिस्टोरिक प्लेस पर भी आग लग गई है। हालांकि व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले मीटिंग बुलाई थी कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन यह आग नहीं रुकी। देखिए, रूस भी दिन रात तोप का भी इस्तेमाल कर रहा है। हॉविट्जर के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीरिया के फौजी ऑफिशियल तौर से हथियारों के साथ सपोर्ट कर रहे हैं रूस को। हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हवा में उन्होंने इस तरह से रॉकेट और बमबारी करी कि वी बन गया। वी जो साइन है और जो जेड साइन है रूस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तो दोस्तों, ये हैं वो लोग जिन्होंने बहुत हमारी मदद करी है और इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आपसे उम्मीद है कि इसी तरह से आप अपने दुआओं में और अपने साथ में हमें याद रखेंगे।